शानदार चक्का जड़ते नजर आए सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम का स्कोर आप देखेंगे तो उछला है 185। एक विकेट आज के दिन पर खोया है भारतीय टीम ने और बड़ी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच आ चुकी है। जरूरत भारतीय टीम को 8 गेंदों में 18 रनों की है। नॉट जेल लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की अगली गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद, सूर्य कुमार यादव ने इस बार बैकफुट पे आते हुए गेंद को पंच किया था। गेंद हवा में, फील्डर नीचे है नहीं, गेंद सीधा चली जाएगी एक बाउंस के बाद चौके के लिए। एक और बड़ी बाउंड्री सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिलती हुई। 14 गेंदों में 32 रन लगा चुके हैं। वही एक शॉट पर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा यहां पर सलामी बल्लेबाज के रूप में खड़े हैं। अब तक मैदान में 78 गेंदों का सामना किया है और 108 आज के दिन पर रोहित शर्मा ने रन बनाए है। नॉट जेल लेकर तैयार अपने ओवर के लिए गेंद, जरूरत 7 गेंदों में 14 रनों की है सूर्य कुमार यादव के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से यहां पर गेंद सीधा ही सूर्य कुमार यादव की कमर से ऊपर जाती हुई, हालांकि नो बॉल दी नहीं है, नो बॉल की जांच फिलहाल करते नजर आएंगे अंपायर। तो गेंद काफ़ी ऊपर थी, हम देखे तो सूर्य कुमार यादव ने तुरंत से शिकायत कर दी इस गेंद की और फिलहाल नो बॉल की चेक की जाती है। अगर नो बॉल मिलती है तो मिल चुकी है नो बॉल। नो बॉल का अतिरिक्त रन भारतीय टीम को मिलेगा और अगली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। इस ओवर में आप देखेंगे तो अब तक 12 रन आ चुके हैं, अभी भी ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। जरूरत 7 गेंदों में 13 रनों की है। नॉट जे लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की अगली गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर भागते हुए सूर्य कुमार यादव के लिए पटकी हुई गेंद, बैकफुट पे आती हुई गेंद को पंच किया था। अगेन जाती हुई डीप फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर लेंगे और 2 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो जाता हुआ 112 एक विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर में भारतीय टीम को जरूरत यहां पर 11 रनों की होगी और गेंदबाजी देखना होगा किस गेंदबाज को थमाई जाती है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप पर तमाम साथी हमें पूछ रहे हैं ये कौन सा मुकाबला है। आपको बता दें तो ये 2021 का एक बड़ा मुकाबला था, भारत और इंडिया के बीच में खेला गया था और उसकी कमेंट्री फिलहाल हम आपके साथ लेकर जुड़े हुए हैं। आने वाले एक और बड़ा मुकाबला यहाँ पर कल के दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले जाने वाला है, फाइनल का मुकाबला है और फाइनल के मुकाबले में कौन जीतेगा देखने वाली बात होगी। रबाड़ा की पहली गेंद, रोहित शर्मा ने बैकफुट पे आते हुए गेंद को पंच किया, एक रन भागे दूसरे के लिए पल चुके हैं और डायरेक्ट हिट लग चुकी है। फिलहाल रन आउट सैक होंगे यहाँ पर, रन आउट होने वाले बल्लेबाज हम देख पा रहे तो रोहित शर्मा नजर आ सकते हैं। तेजी से एक रन पूरा किया था, दूसरे के लिए भी भाग गए थे और देख पा रहे हैं तो बल्ला हल्का क्रीज से बाहर नजर आ रहा है, आउट हो जाएंगे यहाँ पर रोहित शर्मा। बड़ा झटका लगता हुआ फिलहाल भारतीय टीम को। रबाड़ा ने यहाँ पर पहले ही ओवर में विराट कोहली को आउट करके भेजा था और उसके बाद आप देखेंगे तो अब एक और बार अच्छी गेंदबाजी कर दिखाते हुए। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राहुल भाई ने हमें अभी भी सब्सक्राइब किया है, वही सुमित भाई ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम जो है वो लाइव चैट में लिखते जाइएगा। तकरीबन हमारे साथ 2500 मित्र जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है साथियों। रबाड़ा लेकर दौड़ते हुए अपने ओवर की अगली गेंद, सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से गेंद को हवा में उठा के खेला है। गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद है, गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे और गेंद चली जाएगी चौके के लिए। अब भारतीय टीम को जरूरत यहां पर 4 गेंदों में 6 रनों की है। तो कुछ इस अंदाज में वो मुकाबला खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में और आने वाला कल का एक और बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के बीच में। उस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो इतिहास रच देगी यहाँ पर। रबाड़ा अगली गेंद जाने दिया और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त रन भारतीय टीम को मिलता हुआ भारतीय टीम का स्कोर हो चला है 198 2 विकेट के नुकसान पर। रबाड़ा लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की अगली गेंद, इससे पहले फील्डिंग को हल्का बदला जा रहा है। पहली गेंद पर यहाँ पर रनआउट हुए थे रोहित शर्मा। जो मित्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आपको बता दें तो ये पिछला मुकाबला है और ये मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था दोनों टीमों के लिए, अंतिम ओवर में जा चुका था। फील्डिंग बदली गई है, लेग देख पा रहे हैं तो एक और स्लिप तैनात की गई है। फिलहाल रबाड़ा लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की तीसरी गेंद सूर्य कुमार यादव के लिए। 16 गेंदों में 38 रन लगा चुके हैं। अगली गेंद उठा कर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद को जाने दिया यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं।
अब जरूरत यहाँ से 3 गेंदों में 5 रनों की है और यकीनन मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए फंस चुका है, खास करके भारतीय टीम अब दबाव में आना शुरू कर दी है। अगर सूर्य कुमार यादव अगली ही गेंद पर चक्का जल लगाते हैं तो फिर भारतीय टीम जीत जाएगी। रबाड़ा लेकर दौड़ते हुए ओवर की अगली गेंद सूर्य कुमार यादव के एक बार फिर से बल्ले के ऊपरी किनारे से हो जा लगी है और अपील के बाद हम देख पा रहे तो एम्पायर ने उंगली कर दी है खड़ी, अपील के बाद एम्पायर ने आउट करार दे दिया है। हालांकि सूर्य कुमार यादव मान रहे हैं कि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है नहीं, रिव्यू ले लिया गया है फिलहाल सूर्य कुमार यादव के द्वारा। देखना होगा, अगर हल्का एज बैट का नजर आता है तो फिर आउट हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ है तो फिर आउट होने से बच जाएंगे। तमाम दर्शक हमारे साथ जन्नत भाई जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों को बता दें तो ये पुराना मुकाबला है, कल का बड़ा मुकाबला है, उसकी भी लाइव कमेंट्री हम आपके साथ लेकर जुड़ने वाले हैं। आप तमाम साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिलहाल नॉट आउट का करार आता हुआ, आउट होने से बच जाएंगे सूर्य कुमार यादव और नाबाद बने रहेंगे फिलहाल मैदान में। अब आने वाली 2 गेंदें बची है, बनाने हैं 5 रन, अगली ही गेंद पर छक्का लगाते हैं तो फिर भारतीय टीम मुकाबला अपने नाम कर देगी। रबाड़ा लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की 5वीं गेंद, राइट आर्म ओवर विकेट से कुटा के खेला है गेंद, अब देख पा रहे हैं तो बाउंड्री रेखा पर जा टकराई है, चौके का इशारा आता हुआ, लेकिन देखना होगा ये गेंद सीधा ही बाउंड्री रेखा पर सीमा पर जा टकराई थी। फिलहाल बाउंड्री चेक होती हुई, अगर चक्का है तो फिर भारतीय टीम मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन अगर चक्का ना होके चौका होता है तो भी भारतीय टीम मुकाबले को स्क्रॉल कर देगी, आने वाली 1 गेंद पर 1 रन बनाना है। तो चौका दिया गया है फिलहाल और अब जरूरत 1 गेंद में 1 रनों की है। मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, फील्डिंग बदली जा रही है, मिड ऑफ पर एक एक फील्डर तैनात है और फील्डिंग बदलने के बाद रबाड़ा लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की अगली गेंद, 1 पर 1 रन चाहिए। सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कल का फाइनल का मुकाबला भी हम आपके साथ लेकर जुड़ने वाले हैं। रबाड़ा अपनी टीम को जिता सकते हैं, सुपर ओवर में मुकाबला ले जा सकते हैं, अगली गेंद डालने से पहले रुक जाएंगे और अगर दोनों बल्लेबाज भागकर 1 रन भी लेते हैं तो फिर मुकाबला भारतीय टीम जीत जाएगी। रबाड़ा तैयार ओवर की अंतिम गेंद सूर्य कुमार यादव के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर को क्या क्रॉस, बैकफुट पे गेंद को हवा में उठा के खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फील्डर के ऊपर से होके गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और इस अंदाज में वो मुकाबला जीता था भारतीय टीम ने। लेकिन कल के दिन इन दोनों ही टीमों के बीच एक और बड़ा मुकाबला है और वो मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है कल के दिन पर।